हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको पोलियो का टीका बनाने वाले महान आविष्कारक के बारे में बताने वाली हूँ। पोलियो 19वीं शताब्दी के शुरुआत में एक भयानक बीमारी के तौर पे जाना जाता था। सन 1952 तक इस बीमारी की वजह से हर साल तकरीबन 60,000 लोगों की मौत हो रही थी और 3,00,000 से ज्यादा लोग हर साल पोलियो से प्रभावित होते थे। तब पोलियो से मरने वालों लोगों की संख्या बाकी अन्य बीमारियों से सबसे ज्यादा थी। राष्ट्रपति रूजवेल्ट भी पोलियो के शिकार हो चुके थे। उन्होंने इस बीमारी का टीका विकसित करने के लिए एक संस्था स्थापित की। लेकिन 19वीं शताब्दी में ही एक महान शोधकर्ता का जन्म हुआ। उनका नाम जोनास सॉल्क था। जोनास सॉल्क का जन्म 18 अक्टूबर 1914 में रूस के न्यूयॉर्क शहर में हुआ। जोनास सॉल्क रूसी यहूदी थे और उनके माता पिता अशिक्षित थे, लेकिन वे अपने बेटे को पढ़ाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में मेडिकल स्कूल में जोनास सॉल्क को भर्ती करवाया। हालांकि जोनास सॉल्क डॉक्टरी करने के बजाय उन्होंने उन वक्त के हालत को देखते हुए मेडिकल रिसर्च को प्राधान्य दिया। जोनास सॉल्क को पोलियो के टीके का निर्माता माना जाता है। उन्होंने सन 1955 में पोलियो के टीके को दुनिया के सामने रखा। हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना न भूले। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।